आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबकी पसंदी कुल्फ़ी की रेसिपी। ठेले वाली कुल्फ़ी सबको बहुत ही पसंद आती है, पर कम सामान में, कम मेहनत में और जैसा टेस्ट ठेले वाली कुल्फ़ी का रहता है एकदम दानेदार, वैसे ही टेस्ट की हम कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ठेले वाली कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है और इसके लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे हमने एक पाले जी का इस्तेमाल किया है, पर हम पूरा पाले जी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें से सिर्फ दो बिस्किट ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा पाले जी बिस्किट इस्तेमाल किया कुल्फ़ी में तो इसका टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो पाले जी चाहिए हैं इसे बनाने के लिए, और ठेले वाली स्वाद वाली जो कुल्फ़ी है ना, वो आप घर पर बना पाओगे। इसके लिए आपके कोई कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिस्किट में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बिस्किट पानी डालते ही अच्छे से फूल जाएगी, जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और कुछ इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। अब देखें कुछ इस तरह से ये मिलकर तैयार हो गया है। इसे साइड रख देंगे और ले लेंगे फुल क्रीम दूध। यहाँ पे गाढ़ा जितना दूध हो उतनी ही अच्छी आपकी ठेले वाली कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 2 कप, और अब हम क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे गैस के ऊपर और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है, दूध नीचे से लग सकता है। अगर कभी कभी दूध लग जाता है तो उसका टेस्ट लगा हुआ आने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि दूध नीचे से बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए है। और इसी तरह से आज हम कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। देखिए दूध में अब उबाल आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आंच को धीमा करेंगे और धीमी आंच में इसमें मलाई पड़ने देंगे। मलाई इससे दानेदार सी पड़ के तैयार होगी। जब इस तरह से उबाल आ जाए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप और बढ़िया से इसमें मलाई पड़ने दीजिए और गाढ़ा होने दीजिए। 2 कप दूध का हमें 1 कप दूध करना है। इस तरीके से हम इसे गाढ़ा करेंगे। तो छोड़ देते हैं इसी तरह से इसे पकने के लिए और थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे। तो देखें इस तरह से जब मलाई पड़ती रहे तो आपको इस तरह से साइड करते जाना है, और बस इसे साइड करते जाइएगा और फिर दोबारा मलाई पड़ेगी तो उसे भी साइड करते जाइएगा। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि दूध हमारा पकते हुए गाढ़ा ना हो जाए, आधा ना हो जाए। ये काम अगर धीमी आंच में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूध अच्छे सौंधा सौंधा पक के तैयार होगा। और देखें अब हमारा दूध में खूब मलाई पड़ गई है, दूध पकते पकते आधा हो गया है, एकदम गाढ़ा आपको दिख रहा होगा, मलाईदार भी दिख रहा होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया है, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ठेले वाली स्वाद वाली कुल्फ़ी आप घर पर पाएंगे। अब दूध गाढ़ा होने के बाद जो पाले जी हमने रखा था पानी में भिगो के इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का काम करेगा, इससे और भी इसमें गाढ़ापन आएगा और एक भीगा भीगा खुशबू टेस्ट सी आएगी, टेस्ट आएगा बिस्किट का हल्का सा। तो बस इसे इसी तरह से डाल देना है और इस तरह से उबाल आने तक पकाना है। जैसे ही उबाल आएगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ा और दानेदार सा आपको दिखेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे क्योंकि ये ठंडे होने पर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा करना है, क्योंकि जैसे ठंडा होगा और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, एकदम रबड़ी बनके इसकी तैयार हुई है। अब एक पैन ले लेंगे और पैन में हम डालेंगे ये चीनी। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 4 चम्मच चीनी आप डाल दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा है तो 5 चम्मच डाल दीजिए अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन बिल्कुल लाइट चीनी रहेगी तो कुल्फी जो है बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेगी। बिल्कुल भी मीठी नहीं रहनी चाहिए, एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। तो इस तरह से आप चम्मच से नाप के चीनी डाल सकते हैं। चीनी को तेज़ आँच में आप गर्म कर लीजिए, जैसे ही ये गर्म हो जाएगी तो पिघल जाएगी, कुछ इस तरह से ये पिघल कर तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हो।
अगर इस तरह से आप गर्म नहीं करना चाहते हो तो सादा चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ठेले वाले जैसी कुल्फी का कलर आ जाएगा। तो बस हमने इसे इस तरह से तैयार किया है और जो दूध हमने पका के तैयार किया था अब हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह से सारा डाल देंगे और गैस को बंद कर दीजिए आप, फिर इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और अब देखें इसे अच्छे से हमें मिला लेना है गैस बंद में। और सारी रबड़ी मैंने देखे डाल दी ठंडे होने पर, और भी ज़्यादा ये गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी सी हो गई है। इसी तरह से जब आपकी रबड़ी बनेगी ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी तो बिल्कुल ठेले वाली कुल्फी का टेस्ट आ जाएगा। साथ में इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए, अगर ड्राई फ्रूट पसंद है कुल्फी में तो थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो डाल दीजिए। अगर आप रबड़ी खाना चाहते हैं तो इस तरह से ठंडी ठंडी आप रबड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम ठेले वाली कुल्फी बना रहे हैं तो इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। और जैसे मैंने देखा बताया था कि 2 कप दूध लिया है तो ये 1 कप रबड़ी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह की कॉफ़ी कप ले लेंगे, क्योंकि वो डिब्बे तो सबके पास रहते नहीं हैं जो ठेले वाले कुल्फी जमाते हैं। तो इस तरह से आप जब कॉफ़ी कप लेंगे तो इसमें भी आप फिल करके इसे जमा सकते हैं। और अगर आपके पास सांचे हों कुल्फी वाले, तो मेरे पास ये पतले वाले कुछ सांचे हैं और इसी में आज हम ठेले वाली बढ़िया सी कुल्फी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि इस कुल्फी का खाने का आनंद तो बिल्कुल अलग ही है। तो बस इसमें फिल कर देंगे कुछ इस तरह से, जितनी कुल्फी हमारी भर पाएंगी उतनी हम भर कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अब 3 ये इस तरह की कुल्फी तैयार हो गई हैं और 1 कॉफ़ी कप में तैयार हो गई है। लगभग 1 फैमिली के लिए ये कुल्फी बनके तैयार हो जाएगी। इसे फ्रीजर में रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर जब ये सेट हो जाए तब आप 1 गिलास में पानी ले लीजिएगा और इस पानी में थोड़ा सा जब घुमाएंगे तो ये अपने आप ही छोड़ देगी और इस तरह से क्रीमी क्रीमी दानेदार सी बढ़िया आपकी कुल्फी घर पर बनके तैयार होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की बढ़िया हमारी कुल्फी घर पर ही बन जाएगी, एकदम क्रीमी बनेगी और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ परफेक्ट टेस्ट में ये बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हमने देखें दूसरी भी निकाल के तैयार की है और अब हमने इसे बीच से कट कर लिया है कुछ इस तरह से। चाहो तो इस तरह से, जैसे सांचे नहीं है आपके पास तो कुछ इस तरह से बना के तैयार कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला, आप किसी में भी इसे बना लीजिए, परफेक्ट टेस्ट की ये बनके तैयार होगी। यहाँ पे हमारी कुल्फी ठेले वाली बनके तैयार है, मैंने थोड़े से पिस्ता के साथ इसे सजा दिया है। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं इसे आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया हमारी कुल्फी बनके तैयार हुई है। और देखें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, कोई बर्फ़ वगैरह इसके अंदर नहीं जमी है, एकदम दानेदार सी है। अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो बस इंजॉय कीजिए इस कुल्फी को।